कहते हैं ना मंडे ब्लूज, आज मंडे ब्लूज का बहुत ज्यादा पता चल रहा है, बिकॉज कल जो सब कुछ हुआ तो आज मंडे ब्लूज ही होना था। 5-0 से जो सीरीज हमने क्लीन स्वीप करनी थी, ओडीआई नंबर वन रैंक को और कुछ टाइम तक एंजॉय करना था, वो सब ख्वाब धरे के धरे रह गए। 4-1, यस इट्स नॉट अ बैड स्कोर एक सीरीज के हिसाब से, बट यस वो जो ओडीआई नंबर वन रैंक था उसको हमें 48 आवर्स भी नहीं मिले सेलिब्रेट करने के लिए, बट कोई बात नहीं, फिर आएगा मौका, फिर होगा। बट यस यही डिस्कशन होगी और भी बहुत सारे डिस्कशन के हमारे पॉइंट्स होंगे। लाला हमारे साथ मौजूद होंगे, मैं हूँ सवेरा पाशा, मेरे साथ मौजूद हैं फैसल इलियास, वेलकम करते हैं आपका गेम सेट मैच में। और जिस तरह सवेरा ने कहा कि पाकिस्तान आखिरी ओडीआई हार गया, सीरीज 4-1 से हम जीते, लेकिन कुछ घंटों के लिए हम टॉप रैंक टीम रहे, जिस पे हमारे कप्तान ने ये कहा कि हम टॉप रैंक टीम तो रहे हैं, सो आखिरी मैच की हार को इतना ज़्यादा प्रोपेगेंडा ना किया जाए, उतना ज़्यादा क्रिटिसाइज ना किया जाए। हालांकि परफॉर्मेंस काफ़ी डिजमल लगी हमें, उस पर डिटेल से बात करेंगे कि क्या रीजंस बने हमें आखिरी मैच हारने के और उसका कितना मोरल पे पाकिस्तान पे बुरा लगता है। लेकिन व्यूअर्स ये समझते हैं कि शायद पाकिस्तान अगर वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट में या एशिया जैसे कप जैसे टूर्नामेंट में एज फेवरेट ना उतरे तो ज़्यादा बेहतर है, बिकॉज हम कंप्लेसेंट नहीं होते, तो हम अच्छा खेलते हैं, हम अंडरडॉग्स होते हैं तो अच्छा खेलते हैं। सो वील टॉक अबाउट इट इन डिटेल कि क्या चीज़ इस सीरीज में रही इन टर्म्स ऑफ हाउ वी आर प्रोग्रेसिंग टूवर्ड्स द एशिया कप एंड द वर्ल्ड कप और किस मोरल के साथ हम जाएंगे। बेंच को हमने अच्छे तरीके से टेस्ट किया, इस पे भी बात करेंगे पूरे शो में। लेकिन शो का आगाज़ करते हैं व्हाट्सएप सेगमेंट पे, जहां हम डिस्कस करेंगे दीगर स्पोर्ट्स को भी, फिर डिटेल में लाला से बात करेंगे सीरीज के हवाले से। बिल्कुल जी, सो व्हाट्सएप एंड स्पोर्ट्स में शुरुआत करते हैं सबसे पहले ऑब्वियसली इस पांचवें ओडीआई के हवाले से। सो न्यूजीलैंड ने पांचवें वनडे में पाकिस्तान को 47 रन से हरा दिया, शिकस्त दे दी, और पांच मैचेस की सीरीज 4-1 से जो है वो पाकिस्तान के नाम हो गई है। फखर जमान 363 रन बनाकर सीरीज के बेहतरीन खिलाड़ी जो है वो करार पाए, और हारिस रऊफ ने सीरीज में सबसे ज्यादा विकेटें यानी 9 विकेटें हासिल की। गुड बॉलिंग बाय हारिस रऊफ, लेकिन कल आखिरी आउट होने वाले खिलाड़ी भी हारिस रऊफ थे। पाकिस्तान ने 48 घंटों में ही वनडे टीम की रैंक टॉप रैंकिंग से पहली पोजिशन से महरूम हो गया, और पांचवें वनडे में पाकिस्तान नाकामी के बाद बाबर 11 पहले से तीसरे नंबर पर आ गई है। पाकिस्तान के रेटिंग पॉइंट्स 112 हैं, मुस्तकबिल में भी फिर से पाकिस्तान को नंबर वन टीम बनने का मौका मौजूद है अगर अफगानिस्तान सीरीज हो जाती है या कुछ और जो टॉप की टीम्स है ऑस्ट्रेलिया इंडिया मैचेस अगर हारते हैं। बिल्कुल, और साथ ही साथ एक और एक स्लाइड सा मार्जिन ये है कि 10 मई को एनुअल अपडेट होना है आईसीसी रैंकिंग का, विच मींस जो हम इंग्लैंड से 4-0 हमारी एक शिकस्त थी वो आउट हो जाएगी उस साइकिल में से। यस, मगर कैसे होगा, क्या होगा, बाकी औरों की क्या इक्वेशन होगी उस पर देखना पड़ेगा। बट मूविंग ऑन फर्दर, एक वो कहते हैं ना टॉक ऑफ द टाउन जो मुसलसल चली हुई, दैट इज एशिया कप। सो एशिया कप ना हुआ तो कौमी टीम को वर्ल्ड कप की तैयारी कैसे कराई जाएगी, ये एक सवाल है जो कि पीसीबी मुसलसल उसका जवाब ढूंढ रहा है। पीसीबी ने प्लान बी पर काम करना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दो तरफा या तीन मुल्की सीरीज के लिए मुख्तलिफ क्रिकेट बोर्ड से रबते शुरू कर दिए हैं, जिसमें जनूबी अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, श्रीलंका और आयरलैंड की टीमें शामिल हैं। टीमों की मसरूफियत के हिसाब से उनको देखते हुए वर्ल्ड कप से कबल सीरीज प्लान की जा सकती है। मूविंग ऑन फर्दर ऑन व्हाट्सएप सेगमेंट, अगली खबर है कुश्ती के मैदानों से। गुजरावाला के जमान अनवर पहलवान ने दिलचस्प मुकाबले के बाद बहावलपुर के आसिफ पहलवान को हराकर रुस्तम पाकिस्तान का टाइटल अपने नाम कर लिया। 30 मिनट के मुकाबले में दोनों पहलवानों का मुकाबला बराबर रहा, लेकिन इजाफी वक्त में पॉइंट्स की बुनियाद पर जमान पहलवान ने यह मुकाबला जीत लिया। एंड मूविंग ऑन फर्दर, दूसरी तरफ चल रही है इंग्लिश प्रीमियर लीग। सो इंग्लिश प्रीमियर लीग में आर्सेनल ने न्यूकासल यूनाइटेड को 2-0 से शिकस्त दी। वेस्ट हैम यूनाइटेड ने मैनचेस्टर यूनाइटेड को 1-0 से शिकस्त दी। फ्रेंच लीग में पीएसजी ने जो पूरा ये पूरा कंपटीशन हुआ वहाँ पे 3-1 से जो है वो जेर कर दिया दूसरी टीम को। और अगर मैं एम बापे की बात करूं तो एम बापे ने गोल स्कोर किया, और जो पूरा पूरी जो मेसी के साथ जो वो किया गया था इशू एक हो रहा था, एक पीएसजी का एक इशू चल रहा था, उसमें मेसी जो है उनको नहीं खिलाया गया। सो यस, दिस इज इट फ्रॉम स्पोर्ट्स, क्या चल रहा है, क्या हो रहा है वो तो हमने आपको अपडेट दे कर दिया, मगर सबसे ज्यादा जो इस वक्त चल रहा है और जो हो रहा है दैट इज कि हम
ओडीआई रैंकिंग को बहुत ज्यादा सेलिब्रेट कर रहे थे, बट थोड़ी सी देर की खुशी थी फैसल हमारी और वो थोड़ी देर की खुशी बस फिर ढेर हो गई। मगर बाबर आजम का प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही कहना था कि एटलीस्ट हम जो हैं वो कुछ देर के लिए पहले नंबर तक तो पहुंचे, बिकॉज हम सोचें इतने सालों में फैसल कितने बड़े बड़े लेजेंड्स हमारी टीम का हिस्सा रहे। मतलब अगर मैं 90s की टीम की बात करूं तो एवरी प्लेयर हैड देयर ओन फैन बेस, सईद अनवर, आमिर सुहेल, मुइन खान, वसीम अकरम, यू नेम इट, एंड सारे स्टार्स वहाँ मौजूद थे। इवन देन हम ODI में कभी नंबर वन रैंक टीम नहीं बने, सो लाइक 52 ईयर्स बाद, क्योंकि बिकॉज लोग 73 ईयर्स कह रहे हैं, वो तो क्रिकेट जब शुरू हुई थी, मगर पाकिस्तान ने तो 52 ईयर्स पहले से खेलना शुरू किया था। बिल्कुल सही बात है। उसके बाद अब पहले, लेकिन अगर सवेरा क्रिकेट को देखें ना, क्रिकेट के बहुत सारे रूल्स, जैसे डकवर्थ लुईस भी जब आया था तो बहुत सारे उस पर क्वेश्चन थे, जब ये रिव्यू सिस्टम आए तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन थे, पॉइंट्स की जो कैलकुलेशन होती है, जिस तरह पाकिस्तान टॉप रैंक पे पहुंचा कम मैचेस खेल के भी टॉप रैंक हुआ, अब वो किन टीमों के अगेंस्ट खेल रहा था, उसके बाद किस तरह वो, सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच आर सब्जेक्टिव, लेकिन वो कहते हैं ना कि टॉप पोजीशन पे पहुंचना इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, उस पे सस्टेन करना इंपॉर्टेंट होता है। सो हमारे कप्तान ने जब ये कहा, टॉप पे भी पहुंचना होता है, मगर हां सस्टेन करना ऑब्वियसली ज्यादा, बिकॉज़ ऑफ दीस पॉइंट्स पैरामीटर्स एंड व्हिच टीम्स यू प्ले अगेंस्ट, तो टॉप पे पहुंच गए आप किसी तरह, इट वाज नॉट प्लान्ड। अगर आप शायद ऑस्ट्रेलिया से, इंडिया से बहुत ज्यादा मैचेस खेलते, इंग्लैंड से बहुत ज्यादा मैचेस खेलते, यही सीरीज आप अगर न्यूजीलैंड की कंडीशन, सो देयर आर लॉट ऑफ इफ्स एंड बट्स, सो रीचिंग दैट पॉइंट वाज नॉट दैट प्लान्ड। बाबर ने कभी नहीं कहा था कि मैंने टॉप रैंक टीम बनना है, लेकिन जब आप बन गए तो यू हैव टू टेक दैट, बिकॉज़ जब आप देखते हैं कि यार आपकी टीम को इतना लोग सपोर्ट कर रहे हैं, इतना खुश हो रहे हैं, तो आप यू हैव टू पुट दैट एफर्ट। शायद पांचवें मैच में हमें वो जान मारनी थी, हमें उसको सीरियस लेना था, बिकॉज एज अ व्यूअर वॉचिंग क्रिकेट, जब आप एशिया कप में भी फाइनल में हारे थे तो आप बार बार रिकॉल करते थे यार पिछला मैच भी हमने सीरियस नहीं लिया तो फाइनल में भी हम हार गए। सिमिलरली इस मैच को भी कुछ फैंस होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि शायद हमारे प्लेयर्स थोड़ा सा कंप्लेसेंट हो गए, शायद बाबर कुछ स्ट्रेटजी, वो स्पाइडरमैन का एक जुमला है ना, विद मोर पावर कम्स मोर रिस्पांसिबिलिटी, कम्स मोर रिस्पांसिबिलिटी, एंड व्हाट अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस बाय इफ्तिखार अहमद। आई नो कि वो फिनिश नहीं कर सके, उन्होंने माफी भी मांगी पाकिस्तान की आवाम से, मगर फैसल कभी कभार मैं ये सोचती हूँ कि ही वॉज नॉट द फर्स्ट चॉइस फॉर पाकिस्तान, ही वॉज अ फोर्स चेंज। हारिस सुहेल इंजर्ड होते हैं तो इफ्तिखार को मौका मिलता है खेलने का, और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी कल इफ्तिखार ने दिखाई है। मतलब वो कहते हैं ना प्रेशर सिचुएशन, हम इंतजार कर रहे थे इस पूरी सीरीज में कि कब हमारी टीम पे प्रेशर पड़ेगा, कब हमारा टॉप ऑर्डर नहीं चलेगा, कब हमारा लोअर ऑर्डर जो है वो रिस्पॉन्ड करेगा। इफ्तिखार ने रिस्पॉन्ड किया, सलमान अली आगा ने रिस्पॉन्ड किया, मगर शायद एक और शायद जेन्युइन बैटर या एक अच्छा समझदार बैटर इफ्तिखार के साथ होता तो वी वुड हैव विनर। एब्सोल्युटली, आपने इफ्तिखार की बात की, अगर इफ्तिखार ने जो कल जो रिस्पेक्ट अर्न की है, और कल कमेंटेटर्स भी यही कह रहे थे, इवन फॉरेन कमेंटेटर्स कह रहे थे कि 102 मैचेस खेलने वाला प्लेयर जिसने डोमेस्टिक में 102 मैचेस खेले हैं, कोई 9 सेंचुरीज हैं उनकी, 20 प्लस हाफ सेंचुरीज हैं, ही इज समबडी हु इज नॉट मेकिंग टू द टीम, वाज अ सरप्राइज। जब आपके पास मिडिल ऑर्डर में आपके पास स्ट्रेंथ नहीं है, आपके पास फिनिशर्स नहीं है, तो ही इज समबडी हु फिल्स द पोजीशन ऑफ अ मिडिल ऑर्डर एंड ही इज समवन हु विल फिनिश द गेम्स फॉर पाकिस्तान। सो यू आर एब्सोल्युटली राइट, ही शुड हैव बीन इन द साइड इन द फर्स्ट प्लेस, लेकिन अब वो आए, देर से आए, दुरुस्त आए, लेट्स होप दैट पाकिस्तान स्टिक्स टू दीस प्लेयर्स। और अगर आपको याद हो इमामुल हक ने कहा था हमें इफ्तिखार को टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, सो अगर कल इफ्तिखार नहीं होते, इफ्तिखार अगर कल नहीं होते तो आप शायद 200 से पहले आउट हो जाते। सो ही प्रूव्ड हिज पोजीशन टू बी दैट ही शुड बी देयर इन द साइड,